Namaskar. Hello, viewers. Welcome to another episode of Cultural Journey with Manushi, Sanskritik Safar Manushi ke saath. Aaj hum bahut bhagyashali hain ki hamare saath aaj maujood hain Banaras Gharane ke varishth tabla vadak Pandit Lalit Mahant ji. Pandit Lalit Mahant ji Padma Vibhushan Pandit Kishan Maharaj ji ke shishya rahe hain. आज आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और उनके सांस्कृतिक सफर पर चलने की कोशिश करते हैं. नमस्कार पंडित जी. नमस्कार. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में आज. धन्यवाद आपको. हमारा सबसे पहला सवाल पंडित जी आपसे बस यही है कि आपकी यह शुरुआत कैसे हुई सफ़र की, इस तबला वादन के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ, आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी पैदाइश कहाँ की है, हमारे दर्शकों को बताइए. जी, मैं उज्जैन मध्य प्रदेश इंडिया से हूँ. और जो शुरुआत की आप बात कर रही हैं तो समझिए मैं अपने माता के गर्भ में हूँगा, तभी से शुरुआत हो गई. क्या बात. क्योंकि है? मेरे घर में इंडिया का कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो मेरे घर में आके गाना बजाना ना किया हो. अच्छा. तो मेरे फादर उनसे, मेरे फादर बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, तो फादर ने जो है, और घर में मंदिर है, तो फादर ने सारे आर्टिस्टों को भुला के और अपने घर में सारा प्रोग्राम किया उनका. फिर मैं, जब मेरा जन्म हुआ, जन्म के बाद जिससे जिससे, ये तो ये समझिए करणी, कान से सुनने वाली विद्या है. सुनते 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 ये समझिए कि तबले पे हाथ रखा, पिताजी को देखा, कई कलाकारों को देखा, तो एक एक रफ समझिए कि शुरू हो गया. फिर पिताजी ने कायदे से सिखाया. अच्छा. और उज्जैन में सब चल रहा था. अच्छा. पंडित किशन महाराज जी को पिताजी ऐसा मानते थे कि वो भी उनके मित्र हैं और गुरु जैसा भी एक प्रेरणा गुरु मानते थे, तो उनसे सीखने का फिर पिताजी ने सारा प्रावधान और सब इंतजाम किया. अच्छा. तो पंडित किशन महाराज जी से अगर आप सीख रहे हैं तो फिर उनके साथ तो आपके कुछ ऐसे क्षण रहे होंगे जो कि यादगार क्षण रहे होंगे. उनके सिखाने का तरीका, उनके सिखाने का अंदाज तो ज़रूर अलग रहा होगा. बिल्कुल. आप ज़रा हमें बताइए उनके बारे में, क्योंकि पंडित किशन महाराज जी का मिलना गुरु के रूप में एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है. पिताजी ने सबसे पहले पंडित किशन महाराज जी जब जहाँ कहीं भी गए थे, और फादर भी साथ में गए थे उनके, तो पिताजी ने उनको कहा कि ये बच्चा आपका है और इसे आपके शरण में मैं डाल रहा हूँ और आपको इसे सिखाना है. तब मैं उनके साथ ही साथ बैठता था स्टेज पे. वो किसी के साथ भी बजा रहे, पंडित रविशंकर के साथ बजा रहे हैं, बलराम पाठक के साथ बजा रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ, बिचारीना दारूवाला के साथ बजा रहे हैं, गोपी कृष्ण के साथ, बिरजू महाराज के साथ, तो मैं साथ में बैठा हूँ बचपन से बैठा हूँ. फिर मुझे गंडा बांध के उन्होंने शिष्य बनाया. तो मध्य प्रदेश का, इंडिया में मध्य प्रदेश का मैं उनका सबसे सीनियर, सबसे प्रथम शिष्य हूँ. क्या बात है. तो पंडित किशन महाराज जी ने फिर मुझे हर गर्मी में बुला लेते थे, क्योंकि एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई वगैरह चलती रहती थी, तो गर्मी में 2 महीने की छुट्टी होती थी, तो 2 माह मेरे बनारस से बीतते थे. पंडित किशन महाराज जी स्वयं फिर जब शिक्षा देते थे, सिखाते थे, तो लोगों से जब काफ़ी तालीम होने के बाद उन्होंने ये कहा कि लोग मेरे से नोट ले जाते हैं, मगर ये लड़का ऐसा है कि नोट नहीं ले जा रहा है, मेरे से नोट छापने की मशीन ले जा रहा है. क्या बात. तो बहुत से कवित्व उन्होंने सिखाए. जी जी. और उनका बजाने का अंदाज, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहली चीज़ तो है कि किशन महाराज जी को देखना, धर्मवीर भारती का नाम है, धर्मयुग कभी इंडिया में चलता था, तो धर्मवीर भारती जी ने पंडित किशन महाराज के लिए लिखा है कि एक ग्रीक देवता के हाथ में भारतीय वाद्य. तो ग्रीक देवता तो अपने आप में काफ़ी सौम्य और सुंदर होते हैं, तो उनके हाथ में भारतीय वाद्य, ऐसा 2 पेज का इंटरव्यू किशन महाराज जी के लिए छपा है. तो दिखने में इतने सुंदर थे कि सबसे पहले तो उनकी मोहक छवि को देख के आदमी पागल हो जाए कि भाई अद्भुत है, और उनको देखने के लिए तरसते थे लोग. मैंने उन पर एक कविता 4 लाइन की लिखी है, अगर आप आगे दें तो मैं सुनाऊं. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो कविता इस प्रकार है कि तरस जात जग जगत जात, तरस जात जग जगत जात, श्रवणन को देखन को, तरस जात जग जगत जात, श्रवणन को देखन को, यही निकसत उपजत भाव, मन बार बार मन वेर वेर चाहत है तुम्हारे दर्श देखन को. क्या बात है. निर्मल ललित संग प्रभा वंदन करे, निर्मल ललित संग प्रभा वंदन करे, संदल सी महक बन उदयन वचन धरे, श्री चरणों में लूं जन्म बार बार, जब तक सूर्य चंद्र नाही धरे. क्या बात है, क्या बात है. वाह. तो ये पंडित जी पे ये कविता मैंने लिखी है.
तो पंडित जी तो बनारस घराने से थे और आप भी नेचुरली बनारस घराने को ही फॉलो करते होंगे, तो बनारस घराने में और या जो दिल्ली घराना है, पंजाब घराना, इन सब से क्या फ़र्क है? आप ज़रा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बजा कर, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं कि किस तरह से बनारस घराना अलग अपना स्थान बनाता है दूसरे घराने। बनारस घराने में सबसे बड़ी चीज़ जो अगर हम साहित्य के हिसाब से देखें तो साहित्य में जैसे नवरस है, तो नवरस में बनारस घराने ही अपने आप में एकमात्र ऐसा घराना है कि नवरस की व्युत्पत्ति वो अपने वादन में कर देता है। हो नो ही रस, जनरली बहुत से तबला वादक, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर वो श्रृंगार रस ही टिंग 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 वो सब इस टाइप का बजाएंगे, गिन गिन अब ये सब ये बजा रहे हैं। मगर बनारस घराने का जो थोड़ा सा ऐसा भी स्वरूप होना चाहिए कि स्टार्ट कर रहे हैं तो लगे कि जैसे हम अगर कोई भी हिंदी या अंग्रेजी में लिखते तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। हाँ जी। है ना, तो ऐसा उनका उठने का अंदाज, अच्छा। स्टार्ट करने का अंदाज, अगर मान लीजिए मैं एक ताल में धमार में आपको जी, धमार कठिन ताल मानी जाती है और धमार में कैसे महाराज जी का उठने का अंदाज होता, हमें कैसे उन्होंने शिक्षा दी है, जिसे स्टार्ट हो गया। फिर कोई अगर मान लीजिए उनको श्रृंगार रस का या ये समझिए कि वात्सल्य रस का कोई देना है अंदाज, तो देंगे कि कब थी, सारे तबला के ही बोलों के साथ कंपोजिशंस करते हैं। जी जी। आपके तो बहुत कंपोजिशंस हैं, मगर मैं जानती हूँ कि आप कहते हैं कि भक्ति मूलक कंपोजिशंस करते हैं आप, ये तबला में भक्ति दिखाना ये कैसे संभव है, और आप अगर इसको भी थोड़ा डेमोंस्ट्रेट करके हमें बताएं हमारे दर्शकों को कि भक्ति मूलक कंपोजिशंस तबला में कैसे हो सकते हैं? भक्ति मूलक सबसे पहले तो हम मैथोलॉजी में अगर जाते हैं, हाँ जी, तो गणपति जी, दुर्गा जी और शिव, इनकी पर्ण हैं, परंतु मैं एक पर्ण आपको सुनाना चाहता हूँ, भारत माँ का पर्ण। क्या बात है, क्योंकि मैं इंडिया को बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल, हाँ। तो जरूरी है। तो देखिए भारत माँ के स्वरूप को किस प्रकार से बताया गया है कि तुंग भाल हिमगिरी विशाल चमकत तुषार कर मुकुट मंजु फहरत श्यामल अंचल अमंत नित धोत चरण युग अगम सिंधु अति पावन धरणि जग तरण तरणि रिपु दलनि दुग हरणि मंगल करणि भारत माता। अब जैसे गणपति वंदना है जी। कि गंग गणेश गणपति गणनायक, गंग गणेश, गंग बीज मंत्र है, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः, इस प्रकार से तो गंग गणेश गणपति गणनायक गणाध्यक्ष गदिगण धाता ध्यान धरत कंकटत क्लेश कोटिन कृधान धिट धान धिकट करणावतार विघनन विदार घृणक तक घृणक दिन दिन छिन छिन ध्यावत वर पावत कत्तवन धाति ताण श्रवण सुंदर नाम गणपति ज्ञान नाथ गजान दे धिट धान धिकट धा दंत कट त्रिकृत कलंबोदर एक दंत धा एक दंत धा एक दंत धा एक दंत धा गणेश गणपति गणनायक गणाधिपति गणधाता ध्यान धरत कंकट क्लेश कोटिन कृधान धिट धान धिकट करणावतार विघ्नन विदार घृणन कंकट घृणन दिन दिन छिन छिन ध्यावत कत्तल
आपने तो अचंभित कर दिया हमें, इतना सुंदर कि। अच्छा आप कुछ और बजाइए, जैसे आप कह रहे थे शायद माँ दुर्गा पर भी है कोई। हाँ तो दुर्गा की मैं आपको ऐसे सुनाता हूँ, उसके पीछे कुछ और अटैचमेंट लगेंगे इसलिए। हाँ, वो है नहीं भी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो दुर्गा पे आप, क्योंकि पीछे गाने वाला गा रहा है। हाँ, हाँ। जैसे पंडित जसराज गाते हैं। हाँ जी। भवानी दयानी जी जी, या माता काली का, ऐसा कोई पीछे से गा रहा है, फिर तबले में ये बज रहा है और कोई मुंह से इसकी पढ़न तो कर रहा है। अच्छा। तो रचना इस प्रकार है कि चिन चिन चाचिन कचिन कचिन कच 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 शीश कटत भूलोट खंग चलत खन 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 भेत धार शोणित भूरंजित लाल 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 चौदिश काल 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 खप्पर धारी निगसी कर मुंडमाल नैना विशाल कांपे थर थर अवनी अंब विध्वंस जगत धक 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 ज्वाल कराल लपटित घोर प्रचंड भयानक रूप देख जगत हर धराय सुनर मुनि सब विंत करत कर जोर कर नृत्य पले तांडव की देवी। शांति शांति मां, शांति शांति मां, शांति शांति मां। क्या बात, क्या बात। क्या आपका कोई गुरुकुल है या आप किस तरह से सिखाते हैं? ऑनलाइन भी सिखाते हैं क्या? आजकल की टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या है जी? ललित महंत म्यूजिकल अकादमी करके एक अकादमी है। हाँ जी। जिससे बहुत से बच्चे मुझसे सीखते हैं। हाँ जी। इंडिया और एब्रॉड में बच्चे काफ़ी सीख रहे हैं। हाँ हाँ। और बहुत से बच्चों ने, अच्छा मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने तबला तो सीखा पंडित किशन महाराज जी से। हाँ जी। मेरा तबादला हो गया था, मैं कॉलेज में था तो तबादला मेरा रतलाम में हो गया। अच्छा। तो 10-12 साल में वहाँ रहा, तो वहाँ एक ऐसे शख्स रिटायर्ड होकर फिल्म लाइन से आया कि जिन्होंने जॉर्ज हैरिसन और रविशंकर के साथ बहुत काम किया। अच्छा, वो बहुत महान। अच्छा, गुणी व्यक्ति थे। तो उनसे मुझे सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सारे तंत्र वाद्य, तंत्र वाद्य का मतलब है कि तार वाद्य जिसमें तंत्रकारी की जाए। गाने में तो गायकी होती है, तंत्र में तंत्रकारी होती है। तंत्रकारी का मतलब कि जो इस कवित्व से या इसकी पोइट्री से थोड़ा भिन्न हो। तो उनसे सीखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझे काफ़ी समय तक सिखाया। और सिखाने के बाद जैसे वर्षा जी को मैंने संतूर सिखाया, ऐसे कई लड़कियों को बांसुरी सिखाया, किसी को। अच्छा। किसी को सितार सिखाया, किसी को वायलिन सिखाया, किसी को डांस सिखाया। इवन मैं डांस भी सीखा मैंने। मेरे मन में बचपन से ये भाव था कि मुझे विदेश में जाना है, तो विदेश में हो सकता है बहुत सारे लोगों को न ले जा सके। अच्छा। तो कम से कम सब चीज़ें मुझे याद करना चाहिए और याद करके और जाके, ताकि मैं अकेले आदमी सारे विदेश में सारे लोगों को, वहीं के लोगों को अटेंड कर दूं और सब कुछ वहीं के लोगों को मैं बना दूं। तो ये सब चीज़ें मुझे सीखने का अवसर। अच्छा, मेरा मन भी था, मेरे मन में ये भी इच्छा होती है कि ये जिंदगी का ये समय मिला है, ये जीवन मिला है, इसे किसी सार्थक कार्य में लगाया जाए। तो आप जब कह रहे हैं ये बातें, तो मुझे पता है कि आप युवा वर्ग को वैसे ही बहुत प्रोत्साहन देते हैं और आप कई समारोहों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं इंतज़ाम और इनका आयोजन करते हैं। तो आप मुझे ज़रा बताइए हमारे सारे दर्शकों को कि ये समारोह जो आप आयोजन करते हैं, उनके उनकी तरफ रिस्पॉन्स कैसा रहता है लोगों का, और आप क्या समझते हैं कि आगे हमारे देश में विदेश में भी भारतीय शास्त्रीय संगीत का आपको क्या भविष्य दिखाई देता है? समारोह में सबसे पहले क्या हुआ था, राजीव गांधी जब इंडिया में प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ, तो उन्होंने 7 जोन में इंडिया को बांटा था। हाँ, 7 जोन। तो उसमें मैं भी एक सदस्य था। तो मैं कोशिश ये करता था कि उज्जैन में सारे 7 जोन के प्रोग्राम कैसे भी खींच के लाऊं और उनके बड़े बड़े प्रोग्राम करूं। तो उसमें क्या होता था, पूरी इंडिया के कलाकार, युवा वर्ग और जो स्थापित कलाकार हैं वो भी और युवा वर्ग वो भी, वो सब आके अपनी कला का कलांजलि दें, अपना प्रदर्शन करें। तो उसमें करीब मैंने ये समझिए आपकी अनगिनत प्रोग्राम किए, उसकी गिनती में आपको क्या बतलाऊँ कि अनगिनत प्रोग्राम किए। फिर दूसरी बात यह है कि उसी के माध्यम से भी नहीं, मेरे घर में खुद इतने प्रोग्राम हुए कि सारे आज विश्व में जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, जितने भी हैं, उनके ही सारे गुरुओं ने मेरे ही घर में प्रोग्राम दिया। किशन महाराज जी तो मेरे गुरु हैं, वो तो कई अनेक बार आए। गुदाई महाराज है जिनको सामता प्रसाद गुदाई, जिनके हाथ का एक्सरे किया गया कि इतना स्पीड में हाथ के स्पीड में कैसे, तो 8 दिन तक मेरे घर में रहे। बिरजू महाराज मेरे घर में आए। हाँ जी। आप बताइए कि बड़े बड़े उस्ताद रजबरी खां साहब, उस्ताद अमीर खां साहब, उस्ताद अमान अली खां साहब, कोई ऐसा आर्टिस्ट में मुझे ध्यान नहीं है कि कोई ऐसा आर्टिस्ट हो। गिरजा देवी। हाँ जी। मेरे घर में आई।
तो खूब गाना बजाना हुआ, तो इंटरनेशनल क्या, वो तो ब्रह्मांड के कलाकार हो गए। बिल्कुल, तो सारे आयोजन मैंने भी किए, और सारे आयोजन करते 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 फिर थोड़ा सा कंसंट्रेट हुआ मैं वर्षा जी में। हाँ जी, तो उनको सिखलाने और ये सब करना, हाँ उनको सिखाना ये करना, और फिर बहुत से बच्चे भी सीख रहे थे, मगर मैं सिखाने में फिर मेरा थोड़ा ध्यान मैंने लगाया कि कुछ नई पोज बनाई जाए, नए बच्चे तैयार किए जाए। आज एक ईश्वर की ऐसी कृपा है कि इतने बच्चे इतना अच्छा बजा रहे हैं और दुनिया में नाम कर रहे हैं, वायलिन में तो, सितार में तो, इसमें तो, संतूर में तो, दुनिया में नाम कर रहे हैं। और दुनिया में ईश्वर मुझे देख रहा है कि मैं कोई भी ऐसा काम करके यहाँ से नहीं जा रहा हूँ कि जो ईश्वर ये कहे कि तुमने वो काम क्यों नहीं किया। क्या बात है, आपकी चिंताधारा सच में बहुत उच्च कोटि की है जी। आप मुझे, मैं जानती हूँ कि आप तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, हम देख ही रहे हैं। मुझे ये भी मालूम है कि आप कहीं कुछ एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र से भी कुछ संबंध है आपका, आपने कुछ सीखा हुआ है, कुछ करते हैं, आप ज़रा उसके बारे में बताइए कि ज्योतिष के प्रति रुझान कैसे हुआ आपका? ज्योतिष के प्रति रुझान ऐसे हुआ कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे, हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं तबला बजाता था, तो बाद में बजाया तबला। और तो एक मैं उसकी कविता आपको जरूर दो लाइन की सुनाना चाहूँगा कि जो मेरा ये जितना भी ये मेरी यात्रा है, हाँ जी, इस यात्रा के पीछे मेरा जो मन में जो उद्देश्य था, तो वो उद्देश्य उस कविता में दो लाइन में, चार लाइन में मैंने उसको बताया है। फिर मैं ये आपका प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि कैसे क्या हुआ है। तो मैं एक दरवाजा था, तो उस दरवाजे में तबला दो इस गोद में थोक के और उसको रियाज करने के लिए दूसरे कमरे में जाने के लिए कोशिश करता, दरवाजा लग जाता था, तो पाँव से उसको मैं ऐसे ठेल के अंदर जाने की कोशिश करता था, फिर लग जाता, फिर जाऊँ मैं तबला को उठाऊँ और जाने लगूँ तो लग जाए, तो उस पर वो चार लाइन बनी है कि वो दरवाजे मुझे अच्छे नहीं लगते जो बार बार खुल कर भी बंद हो जाते हैं। क्या बात है, वो दरवाजे मुझे अच्छे नहीं लगते जो बार बार खुलकर भी बंद हो जाते हैं। तुम यदि उसमें एक ईंट लगा दो, तुम यदि उसमें एक ईंट लगा दो, तब शायद मैं पहुंच जाऊंगा उस दरख्त के पास जहां खुली हवा में भी दीप जलते हैं। क्या बात है, वाह क्या बात है। तो ये चीज थी। तो अब आपका प्रश्न आप फिर से पूछिए कि आपका ज्योतिष की तरफ रुझान कैसे हुआ? मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मैं उनके साथ, वो अपने पास ही सुलाते थे। हम लोगों का मंदिर है, मंदिर संप्रदाय से हम लोग, हमारे 7 टेम्पल्स हैं, 7 मंदिर है, श्री महंत हैं वहाँ के, तो यहाँ भी आए हो तो मेरा पूजा पाठ ये सब आपको दिख रहा है, ये कोई नाटक ढोंग के लिए नहीं, मैं अपना पाठ करके आया हूँ इसलिए। तो मंदिर का, तो वो 7 मंदिर है, तो मंदिर के हिसाब से सारा सुबह मुझे मेरे ग्रैंडफादर 100 साल के होके डेथ हुई, उनके बहुत बड़े महान ज्योतिषी थे, उन्होंने मुझे बचपन में 7 में सुलाते थे, सुबह 4 बजे उठा देते थे। ओ शुक्लम ब्रह्म विचार सार परमम माध्यम जगत व्यापिनी से सरस्वती का ध्यान करो, जाओ नहाओ नहा के बैठो, फिर मेष वृषभ मिथुन कर्क कन्या सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये बोलो, फिर नक्षत्र 27 नक्षत्रों के नाम बोलो, फिर ये जलचर है कि ये अग्नि प्रधान है कि ये वायु प्रधान राशि है कि फलाना ढिकान, इतना उरल रटा दिया, इतना रटा दिया कि एक टाइम तो ऐसा आया कि मेरे को इससे ऐसा लगा यार ये मेरे पीछे का है जबरदस्ती का ज्योतिष का, मुझे लगा ये टाइम पास करने की चीज़ है, मतलब मैं इसे बिलीव नहीं करता था कि ज्योतिष कोई चीज़ होती है। परंतु एक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि एक मेरे दोस्त, जब मैं रतलाम में गया था तो मेरे एक दोस्त साथ में बने, वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, मुझे नहीं मालूम था, हमें साथ में उनके टेबल टेनिस खेलता था, तो उन्होंने मतलब जो है एक ऐसी प्रेडिक्शन करी एक एसपी, पुलिस एसपी के लिए, कि जाओ तुम्हारी शादी नहीं होगी, वो कार्ड देने आया था। तो मैं उस बात को पीछे पढ़ के देखा कि यार ये ऐसा कैसे बोल रहा, देखा तो सही में वो लड़की जिनसे शादी होने वाली थी मंडप छोड़ के भाग गई, वो और शादी नहीं हुई पुलिस एसपी की। तब मेरे को लगा कि यार ये तो बड़ी अजब चीज़ है, जो अपने को इतना रोल रटाया ये तो बड़ी काम की चीज़ है। तब मैं उनके पास गया तो अपने गुरुजी की मैंने पत्रिका दी बिना नाम के कि ये बहुत परेशान है, इनको पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, इनकी शादी नहीं हुई, इनका क्या होगा। तो उन्होंने कहा ये तो नक्षत्रीय पुरुष है भैया, तुम किन की बात करो, इनके पास तो रुपया बरसता है, शादी तो हर लड़की इनसे शादी करना चाहती है, आप कैसी बात कर रहे हो। तब मुझे बिलीव हुआ, फिर उनसे भी मैंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, और करते 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 करत करत अभ्यास के जड़मती हो चुकी है, तो वही सब चीज़ हुई और ऐसे रुझान मेरा बढ़ा। फिर मैं तबला बजा रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ, वो सिखा रहा हूँ, फिर ये सिखा रहा हूँ, फिर ज्योतिष में आ जाता हूँ, फिर रात को मेरी कोई किताब पढ़ने की इच्छा होती है तो किताब पढ़ता हूँ। तो ये सब जीवन इसी प्रकार से, इसी क्रम से मेरा चल रहा है। पंडित जी, परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी व्यक्ति के सक्सेस में,
सफलता में। आपका परिवार, आपके परिवार के बारे में हमें बताइए कि आपके माता जी, पिताजी, आपके बच्चे, शादी वगैरह सब। मेरे पिताजी ने तो पूरी शिक्षा दीक्षा उन्हीं के उसमें आपके गुरु जी रहे, और माँ ने वो सब कुछ किया कि कलाकार नृत्य कर रहे हैं, फिर उनका खाना भी हो रहा है तो माँ ही बना रही, सबको खिला रही पिला रही, तो सब घर में वो तो वही माहौल था। फिर मेरी शादी हुई तो जो मेरी पत्नी है, आज सबसे बड़ा हाथ मेरी आर्ट के पीछे अगर देखा जाएगा तो मेरी वाइफ का हाथ है, उनका नाम निर्मला है। और दूसरी ये चीज़ है कि मेरे एक लड़का, सिर्फ एक लड़का था, तो उसने संन्यास 12-14 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। अच्छा। और वो इस वक्त सन्यासी है और हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा। और उसका नाम उदयन है, उसने संन्यास ले लिया। और एक लड़की है, जी। दो लड़की हैं, एक लड़की प्रभा है, तो उसका नाम प्रभा, और दूसरी वंदना लड़की है, उनके बच्चे हैं। तो ये सब भी सब संगीत में? नहीं, संगीत में वो उन सब लोगों को मेडिकल लाइन में, कोई इंजीनियर, कोई मेडिकल लाइन, इस लाइन में चले। तो अच्छी बात है। जी जी जी। हाँ जी। और इसके बाद मैं आखिरी सवाल आपसे मैं जो पूछ रही हूँ, आपका संदेश क्या होगा हमारे युवा वर्ग के लिए, हमारे सभी लोगों के लिए? सभी लोगों के लिए मेरा ये निवेदन है, बल्कि संदेश क्या मैं आपको बताऊँ, मेरा एक तरह से आग्रह है सभी से कि अपना समय इन्हें टाइम किल ना किया जाए। टाइम इज मनी। अगर समय को बर्बाद किया जाएगा तो समय फिर लौट के आने वाला नहीं है। अगर जवानी चली गई, एक बार जवानी गई तो वो नहीं आएगी, और बुढ़ापा आ गया तो वो नहीं जाएगा। तो आदमी को अपने समय का उपयोग करना चाहिए। भारत में नहीं, विश्व में नाना प्रकार की आर्ट, कला, साहित्य, संगीत, ज्ञान, विज्ञान, ये सब कुछ फैला बिखरा पड़ा है। उसे उसकी चॉइस के हिसाब से जो उसे अच्छा लगता है वो उसे उसको उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। फिर ईश्वर के हाथ में कि वो कहां तक वो पहुंच पाते हैं, मगर जहां भी पहुंच पाएंगे वहां एक आनंद होगा और वो फुल्ली सेटिस्फाई होंगे, हाँ मैंने अपने जीवन को सफल किया। तो जीवन की सफलता उसी में है कि मनुष्य अपने समय का सदुपयोग करे और कर्म करता जाए, और कर्म करता जाए, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित। जी, ईश्वर के हाथ। आप तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, आपने बहुत सारी बहुत अच्छे अच्छे परन कविताएं सुनाई। हमारे दर्शक ज़रूर और सुनना चाह रहे हैं, मैं खुद बहुत ज़्यादा सुनना चाह रही हूँ। तो आप हमें अगर थोड़े छोटे छोटे कुछ भी जो आपके कंपोजिशंस हैं परन जैसे, आप अगर हमें सुनाएं। एक अभी एक रिसेंट एक कविता बनी, रिसेंट क्या 2-3 साल हो गए, कि वृंदावन में रास हो रहा है। हाँ जी। और भगवान कृष्ण और उनकी सारी सखियाँ और सारे सब नृत्य कर रहे, तो उसका एक्चुअल विजुअल के उस के किस टाइप का हो रहा होगा, तो वो मैं आपके समक्ष कि नाचत गोपाल लाल, नाचत गोपाल लाल कत्त दिखड़ गए के दौरान, नाचत गोपाल लाल कत्त दिखड़ गए के दौरान, वृंदावन रास रचत सांवरो बिहारी लाल, नाचत गोपाल लाल कत्त दिखड़ गए के तरह, वृंदावन रास रचत सांवरो बिहारी लाल, राधा संग नृत्य करत धद 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 धरगट तक धाती, धा 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 दी 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 नाना ना कटक दिगन गंतर। नाचत गोपाल लाल कत्त दिखड़ गए के तरह, वृंदावन रास रचत सांवरो बिहारी लाल, राधा संग नृत्य करत धद 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 धरगट तक धाती, धा 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 दी 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 नाना ना कटक दिगन गंतर। नचत मदन मोहन मतवारो, नचत मदन मोहन मतवारो, चंद्रमुखी मृगनेनी गजगमनी, राधा के अंग भाव भू कटाक्ष दुरन मुरन, गत निकास फलडा पर त्रिभुवन जातवारी, नाचत गोपाल लाल कत्त दिखड़ गए के तुम्हारे। आपकी स्मरण शक्ति सच में दाद देनी पड़ेगी आपको, इतना याद है आपने जो भी लिखा है, जो भी कंपोज किया है। और हमें एक और कोई टुकड़ा बताइए, सुनाइए। एक सरस्वती की परन, क्योंकि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सरस्वती का ध्यान, प्रत्येक युवा वर्ग को ये सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। हाँ जी। तो ये अवधि भाषा में है। अच्छा। क्योंकि मैं बनारस में भी रहा हूँ। जी। तो शारदे वरदे करूँ हम ध्यान तेरो, क्या वर्णन है सरस्वती का, चराचर जगत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है जब वो वीणा वादन कर रही है। अच्छा। तो शारदे वरदे करूँ हम ध्यान तेरो, कछु करो गुणगान तेरो, कुंदसो सुंदर बदन शोभित अमित शुभ्रावसन, कुंदसो सुंदर बदन शोभित अमित शुभ्रावसन, बस श्वेत पद्मासन, झनन झनकारती वीणा, टनन टनकारती वीणा, स्मित संसार
स्मित संसार करत पुकार वीणा जयत जय ओमकार स्वर लय सुधास बरसत सब देव गुण मिली परखत हंस हरसत बजत सुनिराग मन अनुराग जागे भ्रमर भीर पराग त्यागे शिथिल तरवर शिथिल सरवर शिथिल नीर समीर सुनिस्वर मीड के महिमा बखानो जात नहीं दिर्दीर के अजिठोक झाला तन जस छूटे धनुष देवान करत बखान सब विद्वान चिड़ चिड़ी देव देव विमान वर्षा में हर्ष पुष्पान गावे किन्नरन गंधर्व सुंदर गान गहि गहि चंग विष्णु इंद्र गणपति संग संग मृदंग लय वादन करे अति ढंग ढंग उमंग करी करी बोल धरि धरि ताल संग पराल भरि तज नदी ननकत 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 ध धग दिटकता तग दिटकता नग दिटकता दिन तिटकता कदरट्टा गड़धाक धा गड़धाक धा गड़धाक ध क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपने तो हमारे दर्शकों को, हम सबको मुग्ध कर दिया है आज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हमारे हो भाग्य कि आप यहाँ पर पधारे और आपसे फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। नमस्कार जी, और इसी के साथ आज हम समाप्त करते हैं सांस्कृतिक सफ़र मानुषी के साथ की यह कड़ी। नेक्स्ट टाइम वील सी यू अगेन इन अनदर एपिसोड ऑफ कल्चरल जर्नी विद मानुषी। नमस्कार।